from eating a separate. कितना डॉलर है अभी? कितना डॉलर चल रहा है? 1000 रुपए हो गया 11 डॉलर। ऑलमोस्ट 12 डॉलर। लाइव रीडिंग चल रही है। हवे का लेवल क्या है यार? तो आज दोपहर को हमने एक ट्रेड लिया था फॉरेक्स मार्केट में, और उसका स्टेटस देख के तो हम लोग एकदम सरप्राइज्ड है। देखा जरा स्टेटस, ये अभी फ्लक्चुएट हो रहा है 190 और 195 के बीच में। अभी 190 188 190, और ये जो 194 है ये रुपीज़ नहीं है, ये डॉलर है। और ये सेम ट्रेड पूरे 6 जन ने लिया था, तो सोचो कितना प्रॉफिट हुआ रहेगा आज। तो 98,000 के करीब करीब पहुंच रहा है अगर हम सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो। बट हमने अभी तक मार्केट एग्जिट नहीं किया क्योंकि हमारा टारगेट हिट नहीं किया है। टारगेट थोड़ा सा ऊपर है, अब ऑलमोस्ट 1-2 घंटे में शायद हिट कर दे तो हम एग्जिट ले लेंगे। बाय, फुल क्रेजी सीन्स, रातों रात पैसा ही पैसा होगा। और धीरे धीरे मुझे 14 डेज कम्प्लीट होने आए हैं डेली ब्लॉग चैलेंज करके, और 16 डेज मोर टू ग्रो। देखते हाउ इट गोज, आई थिंक अभी तक तो अच्छा चल रहा है। तो डेली चैलेंज का पॉइंट ये था कि मैं कैमरे के सामने एक फ्लुएंटली बोलने सीख जाऊँ, दैट्स इट। तो ये इम्प्रूव हो रहा है तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। चले बाय बाय। तो बेसिकली अभी हम जा रहे हैं मनोरी, मनोरी से फिर जाएंगे आगे। यहाँ पे आवाज़ें कभी कम नहीं होगी। तो हियर इज़ माई बीच, और 2 दिन से काफ़ी तेज़ हवाएं चल रहे हैं तो इसके ऊपर काफ़ी धूल भी नहीं है, मतलब एकदम क्लीन है ये बिल्कुल भी। आज बस से नहीं जा रहे ना अपन, बाय द वे मौसम इतना सुनहरा है तो माउंट तो लगेगा ही ना। आज भी बारिश आ रही है और मैं अभी अभी निकला हूँ तो आज आपका भाई रुकेगा नहीं, सीधा मिलते हैं डेस्टिनेशन पे बिकते हुए। तो गाइस अभी हमें मिट चौकी पे, काफी टाइम से एक ही सिग्नल पे खड़े हो तो समझ जाना वो मिट चौकी का सिग्नल है क्योंकि ये सबसे बड़ा सिग्नल यही है। अभी हमें जाना है यहाँ से राइट मारवे की तरफ। सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको मलाडा जाना है, मलाडा आने के बाद आपको मिट चौकी आना है, मिट चौकी एक सिग्नल का नाम है। फिर मीट चौकी से मारवे रोड पकड़ना है, मारवे बीच पहुंचना है। अभी हम कुछ ही टाइम में मारवे बीच पहुंच जाएंगे, यहाँ से राइड में ही है 5 मिनट के डिस्टेंस पे। आई एम नियर बाय मारवे बीच। तो गाइज ये रहा मारवे बीच, और हमें जाना है ये वाले ब्रिज पे। यहाँ से हम बोट मिलेगी जो कि हमें ले जाएगी उस तरफ मनोरी। अभी जस्ट मैं बोट से उतर के थोड़ा सा आगे आया हूँ, तो बोट से उतरने के बाद एक बार ही टिकट निकालना पड़ता है और एक बोट के अंदर एक बार ही टिकट निकालना पड़ता है। तो टोटल 2 टिकट निकालने पड़ते हैं बोट में 5 रुपीज़ के, एंड बोट से उतरने के बाद गेट पे 1 टिकट निकालना पड़ता है जो कि उसका आइडिया नहीं है मेरे को, 20 अराउंड रहेगा। तो अभी जस्ट मेरे साथ एक सीन हुआ, मस्त सीन हुआ। जब भी मारवे बीच पे मैं खड़ा था बोट पकड़ने के लिए तो मुझे लेफ्ट साइड में 2 बंदे थे, तो उन्होंने मुझे देखा कि मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वो लोग ने मेरे को पूछा कि कैसे रिकॉर्ड करता है, मतलब कैमरा क्या है, और वो बोल रहा था कि मेरे पास भी सेटअप है बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो आई थिंक माई डिसीजन इज़ बेटर देन कि सन देख रहे हो। पूरा अलग ही लग रहा है यार, एकदम अलग ही वाइब है आज से,
मतलब बारिश होने वाली है, बारिश हुई नहीं है ना। तो आप मनोरी आ रहे हो, आपने खाने के लिए कुछ कैरी नहीं किया है, तो ये मार्केट है, यहाँ से कुछ कैरी कर लेना, नहीं तो आगे कुछ नहीं मिलेगा। मैं चला शहर से दूर सितारों के पास आसमानों में। बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे इधर, मुझे जहाँ तक याद है। वैसे जिसको नहीं पता, मुझे हॉर्स बहुत पसंद है, मोस्टली वाइट हॉर्स बहुत पसंद है, तो कभी मौका मिला तो हॉर्स राइड भी करेंगे अपन। वैसे मैंने कभी नहीं किया है हॉर्स राइड, बस मुझे पसंद है, पता नहीं क्यों पसंद है लेकिन बहुत पसंद है। क्रेजी व्यू, सरप्राइजिंग टर्न, ये वही टर्न है। सीधे सीधे आना है बस, एक टर्न के बाद आपकी जिंदगी जन्नत है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जन्नत है। और एक राइड भी मारना है, यहाँ भी जा सकते हैं लेकिन यहाँ से जो मजा है ना वहाँ से नहीं है। चला शहर से दूर सितारों के पास आसमानों पे। क्या क्राउड है यार, क्रेजी। पब्लिक ने यहीं पे बाइक बाइक पार्क किया है और वहां पे मजे कर रहे हैं। इतने भी सारे नहीं है जितने सारे मैं बोल रहा हूँ, है लोग हैं, फिर भी लोग तो है। सेट होने में कुछ ही टाइम बाकी है, तो फटाफट से जो भी करना है कर लेते, अच्छे अच्छे सीन्स रिकॉर्ड कर लेते। और भी इतनी देर में मेरा आवाज़ आ ही नहीं रहा, इतनी छोटी आवाज़ है मेरी हवा के सामने। तो अभी जो हमने देखा वो प्रॉपर सनसेट था, जो मनोरी बीच करके एक मैंने और एक वीडियो बनाई है वो भी यही का है। जो प्रॉपर सनराइज दिखाया था वो भी नहीं देखा है, वो भी जाके देख सकते हैं। वन डे स्टे के लिए आते हैं आइलैंड पे, हम लोग भी आए थे तो बर्थडे वर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे, वन डे स्टे लिया था, मस्त मज़ा आया था। वैसे यहाँ पे कपल्स लोग काफ़ी है तो, बट शी नेवर कंप्लेन। यहाँ पे बाइक वाइक से आओ तो प्रेफरेबल है, और ग्रुप में आओ तो प्रेफरेबल है। रिक्शा और बस से भी आ सकते हैं, बट उसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है कैसे आना है कैसे जाना है, तो खुद फिगर आउट कर लेना, मेरे बस का नहीं है। ये किसकी गाड़ी है? तो बैकग्राउंड में टिकट काउंटर है और अभी हम वेट कर रहे हैं बोर्ड का। तो मैंने टिकट प्राइस पूछा था 25 रुपीज़, एंड यहाँ से ऑटो 70 रुपीज़ 2 पर्सन। और वापस आने का सीन भी बताता हूँ मैं घर पहुंचने के बाद। ये है बोट में जाने के लिए लाइन, बोट आएगी डायरेक्टली, बाइक बोट में लेके जाएंगे और 5 मिनट का डिस्टेंस है, मिलेंगे हम नदिया के उस पार।